सीकर के लक्ष्मणगढ़ से भाजपा प्रत्याशी हैं सुभाष महरिया। जो तस्वीरें और आपको खबर बता रहे थे उसमें आगे बढ़ते बता दें कि सुभाष महरिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है वो आपको बता दें। दरअसल सुभाष महरिया पुलिसकर्मियों से उलझ गए और उन्हें जमकर गालियां भी निकाल दी। इस दौरान सुभाष महरिया एक पुलिसकर्मी की और उनको बार बार धमकी देते हुए भी दिखाई पड़े। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। ये सुभाष महरिया जहां पुलिसकर्मी को धमकी और उनके मुंह से गालियां भी निकल गई। पुलिसकर्मियों ने यहां फर्जी मतदान को लेकर लोगों को रोका था और इसके बाद सुभाष महरिया वहां पहुंचे और आवेश में आगे आते हुए सुभाष महरिया ने पुलिसकर्मियों को गालियां तक दे डाली। पुलिस के अधिकारियों ने मामला शांत करवाया। सुभाष महरिया का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। तो सुभाष महरिया की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती है फर्जी मतदान को लेकर। पुलिसकर्मी वहां पर रोकने की कोशिश की लेकिन आवेश में आके सुभाष महरिया आगे आ गया और उसके बाद पुलिसकर्मी को ही धमकाने लगे। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यही सुभाष महरिया है जो आपको पर्पल जैकेट में दिखाई दे रहे हैं और पुलिस अधिकारी से ही झड़प करने लगे। यहाँ तक कि आवेश में इतने वो खो बैठे, उनका दिमाग नहीं काम किया कि वो क्या बोलने हैं। गाली तक पुलिस अधिकारियों को निकाल दी और अभद्र तरीके से उन्हें बोला भी, उनको धमकाया भी। लेकिन इस बीच में अब फिलहाल शांत कराया गया है मामला। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जरूर, सुभाष महरिया फर्जी मतदान को रोकने के लिए पुलिस वहां पर काम कर रही थी लेकिन सुभाष महरिया आ गए और उसके बाद मामला और उलझ गया और इतना ज्यादा ये आवेश में आ गए, इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, बौखला गए सुभाष महरिया कि उन्हें समझ भी नहीं आया कि सामने कौन खड़ा है, किससे किस तरह से बात करनी चाहिए और उस परिस्थिति में किस तरह अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। फिलहाल आवेश में आकर मुंह से गाली निकाल दी। अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं यूजर्स उनके लिए लिख रहे हैं। तो सीकर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी है सुभाष महरिया, पुलिस से उलझे हुए हैं और यहां तक कि पुलिस को ना सिर्फ धमकाया गया सुभाष महरिया की तरफ से बल्कि उनके लिए गालियां भी दी गई। तो फर्जी मतदान को लेकर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन बीजेपी प्रत्याशी सुभाष महरिया अब पुलिस को भी गाली निकाल दी है अब सीधे। और अब आपको बता दें कि जो महासंग्राम 2023 की मेगा कवरेज आप तक पहुंचा रहा है 199 सीटों पर लगातार महाकवरेज आपको दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। और सीधे अब हमारी सहयोगी आयुषी भी जुड़ी हुई है, उनकी तरफ रुख करते हुए जानेंगे कि क्या कुछ आंकड़े अभी तक रहे हुए हैं जब दो बज चुके हैं, वोटिंग कास्ट परसेंटेज क्या कुछ रहा है। आयुषी, अब बढ़ता जा रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, बड़े कद्दावर नेता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और साथ ही साथ वो लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अब आप घर से बाहर निकलिए क्योंकि 5 साल में यही एक मौका होता है जनता जनार्दन के पास जब वो घर से बाहर निकलती है और वहां पर जाकर के देखिए सरकार चुनती है। नाथद्वारा की अगर हम बात करें तो देखिए तगड़ी फाइट यहां पर देखने को मिल रही है सीपी जोशी और विश्वराज सिंह में। सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से विश्वराज सिंह, यहां पर देखिए जोरदार टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। तो तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब चिंतन मंथन किया गया था टिकटों को लेकर के। कांग्रेस की बात कर ले तो डॉक्टर सीपी जोशी, बीजेपी की तरफ से विश्वराज सिंह मेवाड़। ये विश्वराज सिंह मेवाड़ देखिए बहुत ही इन पर चिंतन मंथन किया गया था और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, उसके बाद तुरंत इन पर भरोसा जताया गया। और बात अगर हम झालरा पाटन सीट की करें, ये हॉट सीट है कांग्रेस की बात कर ले तो रामलाल चौहान बीजेपी की तरफ से, वसुंधरा राजे पूर्व सीएम, देखिए ये जोरदार टक्कर और ये कहीं ना कहीं हॉट सीट बताई जा रही है। और महा मुकाबला है तारानगर सीट पर, बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ है और देखिए यहां पर लगातार अब टक्कर और भी ज्यादा जोरदार दिखती हुई नजर आ रही है। बात हम करेंगे अब लक्ष्मणगढ़ सीट की, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस की तरफ से और सुभाष महरिया यहां पर देखिए बीजेपी की तरफ से, तो जोरदार टक्कर, तगड़ी फाइट, ये हम आपको बिग फाइट बता रहे हैं किनके बीच में ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जोरदार टक्कर है और आज जनता जनार्दन देखिए पहुंच रही है, घरों से बाहर निकल रही है, वोट कर रही है और लगातार वोटिंग प्रतिशत जैसे जैसे दिन चल रहा है
है, दोपहर 2 बज चुके हैं और लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। स्टूडियो का रुख करेंगे, वहां पर हमारे साथ श्रुति मौजूद है। ओवर टू यू श्रुति, अभी क्या अपडेट है वो दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आयुषी, नाहरगढ़ किले पर आप खड़ी और आपने तमाम तरीके की बताई कि किन दिग्गजों में महामुकाबला होने जा रहा है। हालांकि टफ फाइट रही है और ये भी देखना होगा कि 50-50%, क्योंकि इस बार सबसे अहम ये है कि वोटर साइलेंट है, और जब वोटर साइलेंट होता है तो वो अपने मुद्दों पर देकर आता है वोट, वो पता नहीं चलता है कि लहर किस तरफ है। लेकिन इस बीच में तमाम तस्वीरें भी सामने निकल कर आई। सबसे पहले आपको सचिन पायलट का वो स्टेटमेंट भी बता देते हैं जब उन्होंने कहा कि एक चेहरे पर चुनाव कोई नहीं जीत सकता है। उन्होंने अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल यही है कि वो उनका जो इंडिकेशन था, इशारा था, वो सीधे सीधे अशोक गहलोत। श्रुति, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बयानों को अगर याद करें तो दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। हाँ। सीएम का चेहरा कौन होगा? अशोक गहलोत से सवाल किया गया कि क्या आप चौथी बार सीएम बनने जा रहे हैं, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीत कर आएगी। ये इसी तरीके के जवाब जो थे वो सचिन पायलट भी देते हुए नजर आए। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस जीतेगी। इस बीच में ये भी देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को नहीं पता है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। उसी तरह राजस्थान में भी नहीं पता है। मध्य प्रदेश में आपको टोकना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही वो चुनावी रण में उतरे हुए हैं और उन्हीं का चेहरा जो होगा वो आगे रखा जाएगा। उन्हीं के चेहरे पर वो चुनाव लड़ने के लिए उतरे थे जब वहाँ पे इलेक्शन थे। उसके बाद अभी तो खैर 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, वो आगे पता चलेगा। हालांकि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर उतरी हुई है, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर भी नहीं उतरी हुई है, राजस्थान में बीजेपी कमल के फूल पे उतरी हुई है। उन्होंने सिर्फ कह दिया है।